रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये आपके पास एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का हमने सम डिटरमिन करना है व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आपने करनी है, लेट वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय, अच्छा ये सीरीज़ है, इसका आपने ना एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन सम इसका फाइंड करना है। तो अब इसका सम डिटरमिन करना हम एनालिटिकल वे से हम नहीं कर सकते इसको स्ट्रेट अवे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक सेट करना है। तो लॉजिक कौन सा है हमारे पास, फिलहाल हमने डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है। तो इट लुक लाइक दैट जी के देखें, सबसे पहले डेल्टा एक्स है, फिर उसके बाद टू डेल्टा एक्स है, फिर थ्री डेल्टा एक्स है, एंड सो ऑन। ये आपके पास डेल्टा एक्स आर है। तो ये फॉर्म हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर ये फॉर्म बन जाती है तो हम इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे, लिमिट को इवेल्यूएट कर लेंगे इसको इंटीग्रेट करके। तो अब ये देखें बाय इंटीग्रेशन लिमिट कैसे इवेल्यूएट हो सकती है, ये हमने सीखना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। ये सीरीज को सम करते हुए, देयर आर सम सीरीज के उनका सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने करना ये है, नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो ये है, वन ओवर एन, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, ये एक दो स्टेप्स के बाद जाके आपको पिक्चर क्लियर होगी। ये आ गया वन ओवर एन, एन ओवर एन, एन बाय एन प्लस टू ओवर एन, एन बाय एन, एन बाय एन प्लस थ्री ओवर एन, एन ओवर एन, अच्छा जी एन ओवर एन, एन ओवर एन, एन ओवर एन, ये आ गया। अब आपके पास ये एन्स कुछ कैंसिल हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन, वन प्लस वन बाय एन, वन ओवर वन प्लस टू बाय एन, वन ओवर वन प्लस थ्री बाय एन, प्लस वन ओवर वन प्लस एन बाय एन, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि वन ओवर एन को डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एन, और आप देख सकते हैं एन जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अच्छा जी व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वन ओवर एन की जगह पे डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी, वन ओवर वन प्लस टू डेल्टा एक्स, वन प्लस थ्री डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन, वन ओवर वन प्लस एन डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि देखें यहां पे जो फॉर्म बन रही है, वैसे डेल्टा एक्स का फार्मूला होता है आपके पास, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, ये डेल्टा एक्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वन माइनस जीरो ओवर एन, ये चूंकि वन ओवर है तो माइनस जीरो खुद से करेंगे हम, तो वन माइनस जीरो ओवर एन, तो ए आपके पास जीरो है और बी वन है, ए जीरो बी वन। तो ये अब आपके पास ना बेसिकली वो फार्मूला बन गया है। वो फार्मूला देखें, ए से स्टार्ट होकर एन माइनस वन तक जा रहा है, ये डेल्टा एक्स से स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म नेक्स्ट से स्टार्ट होकर लास्ट में एक टर्म एडिशनल आ रही है। तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं जीरो से वन, और ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाली, इस एक्सप्रेशन को आपने लिखना है डेल्टा की जगह पे जस्ट आपने क्या कर देना है, एक्स कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डेल्टा एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स से रिप्लेस कर देना है। अब इसके ऊपर इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करें, वन ओवर वन प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स, यह आ जाएगा जीरो से वन तक। तो ये काम करने के लिए ना आपको जो बेसिक इंटीग्रेशन है हल्की फुल्की वो लाजमी आनी चाहिए। और ये लिमिट को कैसे इवेल्यूएट करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। लिमिट को इवेल्यूएट करने का जो प्रिंसिपल है या रूल है वो ये है कि पहले एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट वन प्लस वन माइनस, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट वन प्लस जीरो, यह आ जाएगा एल एन ऑफ टू माइनस एल एन ऑफ वन, एल एन ऑफ वन जीरो होता है, तो ये फाइनली जो आंसर आएगा वो एल एन ऑफ टू आएगा। तो ये देखें सीरीज़ को सम करने के लिए हमने एडिशनल टेक्निक एक यूज़ की, इसका स्ट्रेट अवे सम हमें नहीं आ सकता था तो हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से इस सीरीज़ को सम किया। अच्छा जी अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये एक सीरीज़ है,
इसका भी हमने सम फाइंड करना है। यही आप डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करके ये वाली फॉर्म आप डेवलप करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही काम है कि वन ओवर एन बाय चाहिए होता है हमें, वो क्योंकि डेल्टा एक्स है तो वन ओवर एन डेल्टा एक्स लेकर आना होता है, राइट। तो यहाँ पे वन ओवर एन बनाने के लिए एन से अंदर सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, एन स्केयर ओवर एन स्केयर प्लस टू का स्केयर अप टू सो ऑन एन स्केयर प्लस एन माइनस वन का स्केयर, ये आ गया। अब आप एन स्केयर को डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, वन बाय एन वन प्लस एन स्केयर बाय एन स्केयर एन स्केयर बाय एन स्केयर प्लस वन स्केयर बाय एन स्केयर एन स्केयर बाय एन स्केयर एन स्केयर बाय एन स्केयर प्लस टू स्केयर बाय एन स्केयर अप टू सो ऑन एन स्केयर बाय एन स्केयर एन स्केयर बाय एन स्केयर प्लस एन माइनस वन का स्केयर बाय एन का स्केयर, राइट। तो ये अब कटिंग के बाद आप देखेंगे कि जो फॉर्म है वो बन चुकी होगी सीरीज वाली, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, ये डेल्टा एक्स बन गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन बाय एन का होल स्केयर प्लस वन बाय वन प्लस टू ओवर एन का होल स्केयर अप टू सो ऑन वन प्लस वन प्लस एन माइनस वन ओवर एन का होल स्केयर, राइट। अब वही काम करें, ये फॉर्म बन गई है तो पुट करें वन ओवर एन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये आ गया। व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स इन टू वन प्लस वन ओवर वन प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस वन ओवर वन प्लस टू डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस सो ऑन वन ओवर वन प्लस एन माइनस वन इन टू डेल्टा एक्स का होल स्केयर, ये आ गया, राइट। अब आप वही फॉर्म बन रही है ऑलमोस्ट। अब आपने करना ही है कि इस सीरीज को ना इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, लिमिट वही है वन माइनस ज़ीरो ओवर एन वन माइनस ज़ीरो ओवर एन, तो वो ज़ीरो से वन तक आप इंटरवल लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ से यूज़ करेंगे एक्स डेल्टा एक्स को एक्स से रिप्लेस करके, तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रल आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे यूज़ करना है, दैट इज़ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो ये ज़ीरो से वन तक आ गया, अपर माइनस लोअर लिमिट करनी है आप, टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स ज़ीरो, तो ये आ जाएगा पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो, तो ये पाई बाय फोर आंसर आ गया। अच्छा जी, ये भी अब आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसकी लिमिट आपने इवेल्यूएट करनी है, तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन से डिवाइड करें बाय और अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दें, वन का स्केयर एन स्केयर ओवर एन प्लस टू का होल स्केयर एन स्केयर ओवर एन प्लस थ्री का होल स्केयर अप टू सो ऑन एन स्केयर ओवर एन प्लस एन का होल स्केयर। अब आपके पास क्या होगा, इनको एक ही स्केयर में लिख के तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ये दो स्टेप एक साथ करेंगे हम, एन से डिवाइड कर दें, राइट, वन ओवर एन का होल स्केयर, ये भी आ जाएगा एन ओवर एन एन ओवर एन, ऊपर नीचे एन से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नथिंग एल्स, यहाँ पे भी एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, एन ओवर एन थ्री ओवर एन का होल स्केयर अप टू सो ऑन एन ओवर एन एन ओवर एन प्लस एन ओवर एन का होल स्केयर। तो ये अब आ जाएगा आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एन वन ओवर वन प्लस वन ओवर एन का होल स्केयर प्लस वन ओवर वन प्लस टू ओवर एन का होल स्केयर वन ओवर वन प्लस थ्री ओवर एन का होल स्केयर अप टू सो ऑन वन ओवर वन प्लस एन ओवर एन का होल स्केयर, राइट।
अब ये फॉर्म बन गया वन ओवर एन वाली, तो अब आपने क्या करना है, पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एन व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स वन ओवर वन प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर वन ओवर वन प्लस टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर वन ओवर वन प्लस थ्री डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन वन ओवर वन प्लस एन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ना सीरीज में कन्वर्ट कर देना है, तो ये अब वही सारा काम हो गया। अब इसको ना इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे जीरो से वन, और ये पहली वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे वन ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये पावर को ऊपर ले जाएं जीरो से वन, वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, पावर एडिंग रूल अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन जीरो से वन, राइट। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वन ओवर वन प्लस एक्स आ जाएगा जीरो से वन, तो इस पे आप अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें वन ओवर वन प्लस वन माइनस वन ओवर वन प्लस जीरो, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसमें वन ओवर एन ऑलरेडी बना हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट एन को ना सबके अंदर जाके डिवाइड कर देंगे और ये वही फॉर्म बनेगी आपको इंटीग्रल वाली। ये बाय डेफिनेशन जो इंटीग्रल होता है किसी फंक्शन का, ये फॉर्म बना के आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देते और इंटीग्रेट करके ये सम आ जाता है, राइट। तो ये आपके पास आ गया वन ओवर एन स्क्वायर रूट एन प्लस एन प्लस टू ओवर अंडर रूट एन, एन प्लस थ्री ओवर अंडर रूट एन प्लस सो ऑन एन प्लस एन ओवर अंडर रूट एन, ये आ गया। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि वन बाय एन एन प्लस वन, एन से डिवाइड कर दें इसको, इसको भी डिवाइड कर दें एन ओवर एन प्लस टू ओवर एन, इधर भी एन को अलग अलग डिवाइड कर दें प्लस सो ऑन, इसमें भी एन को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर दें, राइट। अब ये करने के बाद आपके पास आ जाएगी जो फॉर्म एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, और ये आ गया वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस टू ओवर एन प्लस वन प्लस थ्री ओवर एन अप टू सो ऑन वन प्लस वन ओवर एन, ये एक्सप्रेशन आ गई है। अब ये आपके पास फॉर्म इस काबिल हो गई है कि आप इसे डेल्टा एक्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो कैसे करेंगे अब हम, सॉरी ये एन ओवर एन एज इट इज रहने, इसको नहीं काटना सेकंड वाले को ताकि वो फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम ना हो। पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एन व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन प्लस टू डेल्टा एक्स वन प्लस थ्री डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन वन प्लस एन डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेट अवे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देना, उससे कंपेयर करें तो अब उसके साथ मैच कर रही है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल के साथ। तो जीरो से वन तक की इनमें लिमिट है लकीली सब क्वेश्चंस में, तो सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जीरो से वन तक ही रखनी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सिंपल पावर एडिंग रूल लगेगा, पावर में वन ऐड करें और पावर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये जीरो से वन तक आपके पास क्या आ गई, इसकी लिमिट आ गई। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा आई सॉरी वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू एंड जीरो से वन, ये आ जाएगा टू बाय थ्री वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू जीरो से वन अपर माइनस लोअर लिमिट टू बाय थ्री वन प्लस वन की पावर थ्री बाय टू माइनस वन प्लस जीरो की पावर थ्री बाय टू, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा टू बाय थ्री टू की टू बाय थ्री सॉरी थ्री बाय टू माइनस वन,
जी अब ये आपके पास बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, नो इसमें कोई नई चीज नहीं है, जस्ट आपने पहले वन ओवर एन बनाना है बाहर, वो डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए एन से बाहर डिवाइड करेंगे, अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, एन स्केयर माइनस वन का स्केयर प्लस वन ओवर एन का स्केयर माइनस टू का स्केयर, तो ये एन मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, एन ओवर अंडर रूट एन स्केयर प्लस एन माइनस वन का स्केयर, ये आ गया। अब आपने करना है स्केयर और अंडर रूट डालना है इन सबके ऊपर, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, ये आ गया वन। अच्छा इसका ना स्केयर और अंडर रूट कर दें, ये भी स्केयर अंडर रूट कर दें, इसको भी स्केयर अंडर रूट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्केयर और अंडर रूट, क्योंकि नीचे स्केयर रूट आ रहा है ना, तो ऊपर भी हम स्केयर रूट बना लेते हैं ताकि कटिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब एन स्केयर से ऊपर नीचे सबको डिवाइड कर दें, एन स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस वन स्केयर ओवर एन स्केयर प्लस एन स्केयर ओवर एन स्केयर, एन स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस टू स्केयर ओवर एन स्केयर प्लस अप टू सो ऑन एन स्केयर ओवर एन स्केयर, एन स्केयर ओवर एन स्केयर प्लस एन माइनस वन का स्केयर ओवर एन का स्केयर। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन वन प्लस, ये इसको ना ज़रा सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्टली लिख देते हैं, वन माइनस वन ओवर एन का स्केयर प्लस ये भी आ जाएगा वन ओवर स्केयर रूट वन माइनस टू ओवर एन का होल स्केयर अप टू सो ऑन वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एन माइनस वन ओवर एन का होल स्केयर, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एन व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स वन प्लस वन ओवर अंडर रूट वन माइनस डेल्टा एक्स का होल स्केयर प्लस वन ओवर स्केयर रूट वन माइनस टू डेल्टा एक्स का होल स्केयर अप टू सो ऑन वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स का होल स्केयर, ये आ गया। अब इसके बाद अब देखें ये बाय डेफिनेशन इंटीग्रल जो है ना, यू कह लें कि आ रहा है कि जो इंटीग्रल की डेफिनेशन में राइट साइड पे आपके पास फॉर्म बनती थी वो कुछ इस तरह की बनती थी। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो से वन तक, और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे बट डेल्टा को एक्स से रिप्लेस करके, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स एंड जीरो से वन तक, तो अपर माइनस लोअर लिमिट करें, साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो, तो साइन इनवर्स वन क्या आएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स जीरो जीरो, तो ये वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू आ गया। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पावर वन ओवर एन है, तो ये आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन, अब जो आपके पास डेफिनेशन है इंटीग्रल की अगर उसको मैं यहाँ पे रीराइट करूँ तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल कुछ इस तरह से, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया। ये अब आपके देखें प्लस प्लस प्लस, ये सम में सीरीज है ये, तो यहां पे ये प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये सारे का सारा प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए सम में, तो इसके लिए हम ये काम करते हैं टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दे दोनों साइड्स पे, तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो यू सी के लॉग में जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और बाकी जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉग जब उन पे ब्रेक होता है तो सम में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये अब आपके पास आ जाएगा वन प्लस एन स्केयर ओवर एन स्केयर की पावर वन बाय एन, तो वन बाय एन स्टार्ट में आ जाएगा, राइट, सॉरी वन बाय एन ये स्टार्ट में आ गया एंड बाकी सब पे लॉग जब अप्लाई होगा वन प्लस वन ओवर एन का स्केयर प्लस एल एन ऑफ वन प्लस टू ओवर एन का स्केयर प्लस एल एन ऑफ वन प्लस थ्री ओवर एन का स्केयर अप टू सो ऑन
ln ऑफ 1 प्लस n ओवर n का होल स्क्वायर, राइट। ये आ गया अब आपके पास। तो ये आपने लॉ की प्रॉपर्टी यूज की। अब इसके ऊपर देखिए 1 ओवर n, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर है। अब इसके बाद अब आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। टेकिंग लिमिट जो कि हमने डिटरमिन करनी है एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln ऑफ y, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय n ln ऑफ 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2 बाय n का स्क्वायर ln ऑफ 1 प्लस 3 बाय n का स्क्वायर अप टू सो ऑन ln ऑफ 1 प्लस n बाय n का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें आप क्या करेंगे, पुट डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर n व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस ln ऑफ 1 प्लस 3 डेल्टा x का स्क्वायर अप टू सो ऑन ln ऑफ 1 प्लस n डेल्टा x का स्क्वायर, राइट। तो इसको अब स्ट्रेट अवे देखिए, अब इंटीग्रल का फार्मूला बन गया है। तो इसको जब इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये फॉर्म आ जाएगी। अब लॉग वाले को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे लॉग वाले को, और यहाँ पे सेकंड कोई फंक्शन नहीं है तो 1 लिख के इसको एज अ सेकंड फंक्शन। तो आप पहले फर्स्ट को डील करें, फर्स्ट एक दफ़ा एज इट इज़ आता है, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अगेन डेरिवेटिव 0 प्लस 2x आ गया, राइट। और सेकंड फंक्शन 1 है, इसका इंटीग्रल इधर भी आएगा, इसका इंटीग्रल इधर भी, माइनस लगा के इसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। और इस पे आपने एक काम करना है, लिमिट को अप्लाई करना है 0 से 1 तक। अब आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ y इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 0 इंटू 0। ये अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की है, नथिंग एल्स। और ये 0 से 1, दिस इज 2x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो ये ln ऑफ 2 आ जाएगा, सो फार ln ऑफ 2, और ये 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से 1। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे, जब कभी भी ऊपर नीचे पावर सेम आ जाती हैं या ऊपर पावर बड़ी आ जाती है, इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास कैंसिल होके माइनस 2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, बड़ा सिंपल इंटीग्रल है इसका। तो यह आ जाएगा ln ऑफ 2 माइनस ये 2x आ जाएगा माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, टेन इनवर्स x आ जाएगा 0 से 1 तक, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। अब उसमें भी अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, और जब 0 सब्सिट्यूट करेंगे ना तो हर चीज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। तो ये आपने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है आपके पास वो क्या है, ln ऑफ 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 के इक्वल होता है, तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ln ऑफ 2 माइनस 2 प्लस पाई बाय 2 आ गया। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, वी हैव समथिंग मिसिंग, उसको भी देख लेते हैं कि लास्ट अब क्या करना है इसमें। तो आपने ना देखें लेफ्ट साइड पे लॉग आया हुआ है, तो लॉग हमने खुद से लिया था, तो हमने y के अगेंस्ट लिमिट डिटरमिन करनी थी, तो ये लॉग अब आ गया। तो इसके साथ हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये लॉग वापस कैंसिल भी हो जाए। तो मैं इसको एक दफ़ा रीराइट करता हूँ। यह आ गया ln ऑफ y इज इक्वल टू
ln ऑफ 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस 2, दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, एंड पे ना एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए लॉग जहां पे है वहां से लॉग कैंसिल हो जाएगा, राइट, और ये e की पावर आ जाएगा ln ऑफ 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस 2। तो अब एक काम करें, लास्ट में अगर करना चाहें तो वैसे आंसर आ चुका है, अब ये बस हम वैसे ही कॉन्सेप्ट की बात करें, लॉग और e आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2e की पाई बाय 2 माइनस 2, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब ये आपके पास देखें प्रोडक्ट भी और पावर्स भी आ रही हैं, तो अगेन ये इसको सम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लॉग अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि टेकिंग लॉग, आप लॉग लेंगे, हम डायरेक्ट ही अब लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, अब लॉग अप्लाई होगा, पहले प्लस वाइज अप्लाई होगा, फिर हर एक की इंडिविजुअल पावर है, तो हर लॉग के केस में पावर अब अलग से स्टार्ट में आएगी, राइट। तो इसको आपने देख लेना है, 1/3 ln ऑफ 1+3/n प्लस सो ऑन प्लस ln ऑफ 1+n/n, तो ये 1/n आ गया, राइट तो ये अब आपके पास है। अब आपने करना कुछ यूं है कि 1/n से बाहर मल्टीप्लाई करना है, बाहर डिवाइड करना है, और अंदर सब के साथ n से मल्टीप्लाई करना है। ये n आ गया ln ऑफ 1+1/n प्लस n बाय 2 1+2/n n बाय 3 ln ऑफ 1/3 ये आ गया। अब आपने वही काम करना है, लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n n इंटू ln ऑफ 1+1/n प्लस n बाय 2 ln ऑफ 1+2/n n by 3 ln of 1+3/n up to so on n by n ln of 1+n/n। अब जो आपने काम करना है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि इसको 1/n को डेल्टा x से रिप्लेस करना है। पुट डेल्टा x इज इक्वल टू 1/n व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू व्हाट, जीरो। तो अब ये सब्स्टिट्यूशंस लगाने से आपके पास जो चीज़ें होंगी, ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा, दिस इज व्हाट डेल्टा एक्स। अच्छा एक चीज़ आप याद रखें, देखें 1/n किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के। तो अगर मैं यहाँ से n करूँ तो n किसके इक्वल होगा, 1/Δx के। तो ये n जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, 1/Δx कर देना है। तो ये अब आ जाएगा 1/Δx ln ऑफ 1+Δx और ये 1/2Δx ln ऑफ 1+2Δx, बाय रेसिप्रोकल में आएगा, ये चेक रखिएगा जरा, 1/3Δx ln ऑफ 1+3Δx अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/nΔx ln ऑफ 1+n इंटू डेल्टा एक्स। ये सब्स्टिट्यूशंस देख लें, इन साइड आप डेल्टा 1/n को डेल्टा से रिप्लेस करेंगे, तो बाहर जो है ना उसमें 1/Δx पुट करेंगे, n को 1/Δx पुट करेंगे आउटसाइड, और 1/n जहां पे आ रहा है उसको आपने डेल्टा एक्स पुट करना है। अब ये देखें, अब ये इंटीग्रल की डेफिनेशन बन गई है। अब आपने जहां जहां डेल्टा एक्स है इसको इंटीग्रल में जब कन्वर्ट करेंगे 0 से 1, क्योंकि 1/n नहीं है तो 0 से 1, और उसके बाद आपके पास ये 1/Δx, तो 1/x आ जाएगा ln ऑफ 1+x इंटू डी एक्स आ गया, राइट। अब ये एक और इंटीग्रल यहां से बन गया है, इसको हम क्या करेंगे, इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, आपने लॉग याद करना है, ये मैक्लॉरिन सीरीज ln ऑफ 1+z, इट इज z माइनस जी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी क्यूब बाय 3 माइनस z4/4 अप टू सो ऑन। ये आपने सीरीज यहां पे यूज करनी है,
बिकॉज इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, वन ओवर एक्स आ रहा है और एक्स में अगर आप जीरो पुट करें तो वन ओवर जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल राइट नाउ, तो ये अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो सो हम इसको ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते, सिंपल मेथड से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सम सिंप्लीफिकेशन ओवर दिस एक्सप्रेशन एंड देन वी विल अप्लाई इंटीग्रल। अब इस पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ इम्प्रॉपर, जीरो पे ये अनबाउंडेड है। अगर जीरो पुट करें तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी आके ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई जो इंटीग्रल अप्लाई होता है वो बाउंडेड फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है, कि जिस इंटरवल पे इंटीग्रल डिफाइन हुआ हुआ है उसमें जो इंटीग्रल है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, उस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। तो अब ये जीरो पे फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है, तो सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट मेक सिंपल इंटीग्रेशन ओवर हेयर। तो वी मेक सम अदर वे सो दैट ये जो इम्प्रॉपरनेस है ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसका जो प्रोसीजर है वो लॉग की मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है, तो लेट अप्लाई दैट एक्सपेंशन। तो यह आ जाएगा वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की फोर बाय फोर प्लस सो ऑन इंटू डी एक्स। अब एक्स कॉमन लेके काटते हैं तो यह आ जाएगा जीरो से वन, एक्स एक कॉमन लेके ना ये देखें अनबाउंडेडनेस अब रिमूव हो रही है, एक्स सब में से एक कॉमन लेंगे और बाहर वाले एक्स से काट देंगे तो ये वन माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय फोर प्लस सो ऑन। तो दिस इज व्हाट ये अब आपके पास देखें बाउंडेड हो गया है। अब आप इंटीग्रल इस पे स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टू, ये पावर में एक ऐड कर रहे हैं, पावर से डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ एक्स क्यूब थ्री बाय थ्री माइनस एक्स की फोर बाय फोर इंटू फोर प्लस सो ऑन। और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जीरो से वन तक। जीरो पुट करेंगे तो तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी, वन जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, वन की सब्स्टिट्यूशन से आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी उसको हम देख लेते हैं और उससे फिर देखते हैं कि किस तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है। राइट, तो ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये अपर लिमिट हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, वन ओवर टू का स्केयर प्लस वन ओवर थ्री का स्केयर माइनस वन ओवर फोर का स्केयर अप टू सो ऑन। राइट, ये अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है। अच्छा जी, अब ये जो सीरीज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज और इसका जो सम होगा ये आपने याद कर लेना है फिलहाल, पाई स्केयर बाय 12, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ वाई। अब एंटी लॉग लेना पड़ेगा सो दैट कि ये वाई सेपरेट हो जाए, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई, तो ये ई की पावर पाई स्केयर बाय 12 आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल का ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।